हाथरस जनपद में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोग जगह जगह भटक रहे हैं। हाथरस जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मधुगढ़ी के रहने वाले दीपक कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी ममता को दिल की बीमारी थी, जिसके लिए डॉक्टरों ने ऑक्सीजन के लिए कहा था। दीपक कई जगह ऑक्सीजन के लिए घूमता रहा, लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। दीपक ने आरोप लगाया है कि मुझसे ऑक्सीजन के नाम पर 25,000 रुपए की मांग की है। पैसे की मांग का सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो गया है। हेलो हेलो, हाँ आ गए जी। लो ये बात करनी कह रहे हैं, बात कर लो। हेलो, हाँ चौहान साहब बताओ। ये आपकी सिक्योरिटी जमाई सिलेंडर की? ना ना, सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल। किनके थ्रू है ये? ये पंडित जी हैं कोई बराबर ना आपके? पंडित जी हाँ, इनके थ्रू है जी। अच्छा, किसके यहाँ लग रहे थे ये सिलेंडर? ये मधुबनी वाल्मीकि बस्ती में है। मधुबनी वाल्मीकि बस्ती में? अच्छा, वाल्मीकि बस्ती में। वाल्मीकि बस्ती में? सुनो सुनो, जो नगर पालिका में टैंकर जो खड़े होते हैं, सीवर सफाई टैंक, वो मेरे ही है वो। अच्छा, मेरे बच्चे के नाम से है, तो इनका टैंक वगैरह साहब को पहचान तो भाई है ही है आप सभी लोगों से। ये तो जगदीश का बोला, जगदीश के नाम पे उतरे गए ना कोई, मतलब वो है का नाम है वो, अरे कोई पंडित जी है आपकी मार्केट में? एक वीरे पुकमार पंडित जी है। जे जे वाले नवल नगर वाले? हाँ नवल नगर वाले तो वो है। हाँ नवल नगर वाले ने जिम्मेदारी ली। जगदीश? हाँ जगदीश, का नाम है उनका? जगदीश है। हाँ ठीक है ना, वो माल आवा आपको? माल आवा जावा दूसरे को पेमेंट कर गया आप? हाँ दोनों दोनों कर दिए। अच्छा सुनो, हाँ जाके 1200 रुपया है सर, तो 1200 रुपया तो एक के आगे ठीक है। और जो पतला सा सिलेंडर है जो 6000 रुपया को जी, तो वहाँ से स्वागत कॉलोनी से दिलवाए जी परसों, ठीक है 6000 रुपया वहाँ पहुँच गए और 1200 रुपया आपके यहाँ आ गए। ठीक है, ठीक है साहब। हाँ अब आप सिलेंडर की व्यवस्था कर दो, हमारे पास है ना कोई भी सिलेंडर? सिलेंडर बहुत महंगा होगा भाई साहब। कितना है? बहुत महंगा है। कितने महंगा हो? लेना पाओ 25,000 रुपये पहुँचवा। 25,000 रुपये पहुँचवा? हाँ जी। ऐसा चौकर से मालिक, दो चार दिन में गैस की सप्लाई चालू होगी 25 का वो ऐसा गैस मिलना भाई, अब तो ना मिलेगी खैर आज की डेट में, ये तो मालूम है। और गैस सप्लाई चालू है भी गई है जो वो मालूम है। अच्छा 25,000 का मिल जाएगा तुम्हारे पास? मिल जाएगा, तत्काल पेमेंट? तत्काल पेमेंट भी होगा? तत्काल पेमेंट ही करेंगे, 25,000 में मिल जाएगा। फटाफट लेके आओ हैं, फटाफट पेमेंट मिल जाओ तो पेमेंट हाथ दे दो। 25 से कुछ कम थी ना लगे वो? बिल्कुल 1 रुपया लगा। ठीक है ठीक है, चलो मैं बता दूंगा। ठीक है कितनी देर में? बता दूंगा भी, आधा एक घंटे का टाइम है, आधा एक घंटे का टाइम है, 2 घंटे बचे मेरे पास। चलो चलो ठीक है, क्या क्या बचे हैं? 2 घंटे बचे बस। 50,000 के है गए? 2 घंटा 50 के चलो चाहिए तो तुम बताओ। ठीक है तभी जानकारी करूंगा, बता बता बता। फिर ठीक है, एक घंटे बाद वो सोना हो रहा मेरा है, सोना हो रहा मेरा। ठीक है दादी, रुक तो जाओ। हाँ ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक हाँ, डोगरा में ऑक्सीजन वाली बात आप आरोप लगा रहे हैं, पैसे क्या चार्ज मांगा किससे आपने बात? सर मेरी प्राइवेट ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही थी मेरी, उन्होंने बेचारों ने मुझसे, कुछ लोगों ने मुझसे नॉर्मल पैसे दिए मुझसे, लेकिन एक सिलेंडर वाले ऐसे हैं दुकान वाले कि जिन्होंने एक बार के नॉर्मल पैसे लिए, फिर उससे अधिक पैसे लिए 6,000 रुपये करीब। फिर मैंने और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए, उनके 2 सिलेंडर खाली भेजे मैंने, मेरे बाबूजी एक दो सिलेंडर की और व्यवस्था हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। थोड़ा सा सिलेंडर बचा हुआ था, कल मेरी सारी बस्ती इकट्ठी हो गई, प्राण निकलने ही वाले थे, वो तो भगवान करे किसी का भला हो, उसने एंड टाइम पर मेरे यहाँ पर सिलेंडर भेज दिया, उससे अभी थोड़ा बहुत तो है सिलेंडर। नहीं आप जो आरोप लगा रहे हैं कौन व्यक्ति है, किसके द्वारा आप? ये है ये रवि हैं यहाँ पर ऑक्सीजन वाले, उन्होंने 25,000 रुपये पर सिलेंडर मांगा मुझसे। मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, मैं सर हम आपके काम वाले हैं, वाल्मीकि लोग हैं, आप जो कुछ गुंजाइश कर ले वो कर लीजिए सब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी भरपाई कर सकूँ, कि फटाफट तत्काल में हो पैसे तो लाइए, सिलेंडर कितने हैं आपके पास? 2 सिलेंडर हैं, 50,000 रुपये लाइए, मैं बाबूजी कुछ गुंजाइश हो जाए।
कि नहीं नहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी। तब फिर सर मैंने एक घंटे बाद फिर फ़ोन किया, मैंने और रिक्वेस्ट कर लूँ, और दूसरे रिक्वेस्ट में भी यही बोला कि 50,000 रुपये से कम नहीं लगाएंगे, पैसा हो तो लाइए नहीं तो ले जाइए कहीं भी आप चल जाइए यहाँ से, मुझसे साफ मना कर दिया गया। तो मेरी आपसे मीडिया वालों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि सर जो स्थिति मेरे सामने आ रही है, किसी मरीज के सामने नहीं है सर, जो दम तोड़ रहे हैं मरीज यहाँ पर, मुझसे देखा नहीं जा रहा सर उनका, जबकि मैं तो एक कर्मचारी भी हूँ सर मैं ESI हॉस्पिटल का, जब मैं अस्पताल वाला भी मैं अपनी वाइफ की नहीं सहायता कर पा रहा हूँ सर, आम आदमी क्या कर रहा होगा सर, सड़कों पर दम निकलने बिना ऑक्सीजन के। मेरे DM महोदय से और सरकार से ये निवेदन है कि मेरी वाइफ को भी बचाने का प्रयास किया जाए, मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से। मोहल्ला मधुबड़ी बाल। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप, साथ ही आप हमें Facebook एवं Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।